हेलो जी, सत श्रीकाल जी। की हाल चाल? तुहाडा सब ठीक ठाक हो? अज असीं तुहाडे लई रेसिपी लै के आए गोभी वाले पकौड़े। गोभी वाले पकौड़े ने जिहड़े बहुत ही मजेदार ते स्वाद बनावांगे। ते जदों तुहाडे घर कोई गैसट परौणे आने हो तां तुसीं अपने घर दे विच बहुत ही आसान तरीके नाल बना के तैयार कर सकदे हो। ते आओ बनाउणा ते देखदे आं गोभी दे पकौड़े किवें बना के तैयार करनी है ते उहदे लई किहड़ी किहड़ी चीज़ां चाहीदियां ने, उह आपां इक वारी जरूर देख लैणे आ। गोभी वाले पकौड़े बना लिए आप, जो जो चीज़ें लिया तैयार करके रखी हैं उसके लिए आप मसाले भी तैयार किए हुए हैं। सब तो पहले तो मैं गोभी ली है, देखो 1 किलो गोभी नू लैके धो के गर्म पानी ना तो इनू कट के तैयार की हुई है। पिछले हिस्से सारे आप कट्टे हुए ने, क्योंकि इस करके कट्टे ने जो आप गोभी के पकौड़े बनावे ना तो चंगी तरह पक जाने वे कच्चे न रहने, तो डंडे जो कच्चे आ जाते हैं। तो ये आप जो मसाले लिए ने, अद्धा अद्धी चम्मच मैं काली मिर्च ली, छोटी चम्मच, अद्धी चम्मच लिया पीसा या जीरा, कस्तूरी मेथी, हरा धनिया, 3 से 4 मैं हरिया मिर्चा कुटिया हुई हैं, तुम घट वध कर सकते हो। 1 चम्मच मैं पीसिया हुआ अनारदाना लिया, 1/2 चम्मच मैं साबत धनिया लिया, 1 कौली मैं बेसन दे ली, ते 2 से 4 चम्मचे दही दे मैं पतला किया हुआ अदरक लसन की पेस्ट, ते थोड़ा जिहा चौलों का आटा पावांगी। पकौड़िया की तैयारी करनी हूँ आप, बेसन मैं खुले भांडे पा के इसनों आप घोल लेना, सारे मसाले ऐड कर लेने, साबुत धनिया, कस्तूरी मेथी ली है, अदरक, जीरा कुटी हुई काली मिर्च, ये जो तुम पसंद करते हो तो पा लियो, थोड़ी अपनी मर्जी है। थोड़ा जहा अनारदाना 1 चम्मच, अनारदाना साढ़े घर दिन बहुत ज्यादा पसंद है, पकौड़िया च होया परौंठिया च होया अनारदाना असं बहुत वरतने, वधिया भी है। आप दूजे मसाले कहते ऐड करने, देखो हरिया मिर्चा 3 से 4 कुटिया ही हैं, तो ये ना थोड़ा जहा पानी पा लिया से पतलियाँ हो गया ना, तो दिखाने जी असली पकौड़िया का स्वाद तो टेस्ट वधना है। आ देखो 1 चम्मच 2 चम्मच भी पा सकते चौलों का आटा, जरा ये पकौड़े बहुत ही वधिया स्वाद बनते ने। असं पाने 1.5 चम्मच नमक का, क्योंकि असी हिसाब ना ही मसाले पाने, बेसन के हिसाब ना, लाल चिली पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, सारी चीजा मिक्स करके चंगी तरह हम असी पहले मैं दही लिया, दही मैं थोड़ा जहा फेंट लिया पानी पा के, तो हम आप दही के नाल ही 2 चम्मच दही ने जो पकौड़े ने एक सुकते नहीं है, तो दूजी गल टाइम काफ़ी चेर रख सकते हो, खराब नहीं होंगे। हम अस थोड़ा थोड़ा पानी पाने, थोड़ा थोड़ा पानी पा के हम असी बैटर तैयार कर लेना। बेसन सा तैयार हो गया, घोल के हम अपना 10 से 15 मिनट रख दें कज के, क्योंकि जो आप चौलों का आटा पाया ना तो बिल्कुल नरम हो जाए ना, तो वह चौल अपने पकौड़े बहुत क्रिस्पी बन गया। देखो हम अपने 10 से 15 मिनट रखने, तो जो हम धनिया है धनिया भी ऐड कर दें, धनिया जो तुम पाना गोभी के पकौड़िया तो वधिया लगता। हम आप करना जो गोभी है, गोभी के उपर आप लानी है अदरक और लसन की जी पेस्ट है तेल वाले, अदरक लसन की पेस्ट ला के गोभी को चंगी तरह तैयार कर लेनी, तो ये उपर तुम चाट मसाला भी ला सकते हो। लाल चिली थोड़ा जहा पाउडर, चाट मसाला थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप मसाला बेसन च भी पाए हैं, काफ़ी मसाले पाए ने, तेज ना हो।
ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੇਸਨ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਓ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਵਧੀਆ ਪੱਕਦੇ ਆ, ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਪੂਰਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਖਾ ਨਾ, ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਲੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਕੌੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੋਭੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ 'ਤੇ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਕੌੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ। ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ, ਕੱਚੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਭੀ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਖਾਏ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਪਕੌੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਓ ਅਤੇ ਖਾਇਓ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ।